कोरोना वायरस को लेकर दुनिया में बवाल मचा हुआ है। कोरोना से पीड़ित लोगों में सिर्फ आम लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि इस लिस्ट में कई खास लोगों का भी नाम शामिल है। तो चलिए हम आपको इस लिस्ट के बारे में बताते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि वायरस या फिर कोई संक्रमण सिर्फ आम लोगों को या फिर गरीबों को ही परेशान करता है, लेकिन कोरोना ऐसा नहीं है। ये ना तो उम्र देख रहा है और ना ही इंसान की ताकत या पावर। आइए जानते हैं दुनिया के उन बड़े नेताओं को जो हो चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के उपराष्ट्रपति मसूमेह एवेक्टर और उप स्वास्थ्य मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इसके अलावा इंग्लैंड की स्वास्थ्य मंत्री नाडिन डोरिस में भी वायरस मिला है। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडू की पत्नी सोफी ग्रेगोर ट्रूडू और स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी बेगोना गोम्स में भी वायरस के संक्रमण से बच नहीं पाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री पीटर डटन और फ्रांस के कल्चर मिनिस्टर फ्रैंक रिस्टर की रिपोर्ट में भी कोरोना वायरस पॉजिटिव मिला है। कुल मिलाकर दुनिया के दर्जन भर से ज्यादा प्रभावशाली नेताओं को वायरस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। मिल रही खबरों के मुताबिक हॉलीवुड स्टार टॉम हैंक को कोरोना वायरस संक्रमित बताया गया। इसके साथ ही ब्रिटिश एक्टर इदरिस एल्बा ने बताया कि उन्हें भी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। अभी तक कोरोना वायरस से 198,006 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,948 लोग दम भी तोड़ चुके हैं, लेकिन कोरोना वायरस से 81,950 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं भारत में इस समय इस वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 153 पहुंच गया है, जबकि मृतकों की संख्या 3 है। अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचने का उपाय कीजिए। देखते रहिए पर्यावरण पोस्ट।